एक चीज याद रखना कि जब भी आप लोग पढ़िएगा अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स, तो उसके लिए आपको मेसोफिल सेल्स का दो वॉल के बारे में जानना होगा। एक वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिक्लिनल वॉल या सरफेस वॉल या टेंजेंशियल वॉल, ठीक है, ये वाला इस डायग्राम में ये वाला, ठीक है। और दूसरा जो वॉल है इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एंटीक्लिनल वॉल या रेडियल वॉल या लेटरल वॉल, ये वाला देखिए रेड कलर से बनाया ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एंटीक्लिनल वॉल, इसको जानना पड़ेगा। तो अब देखिए होता क्या है, अब मैं एक ही डायग्राम से समझाता हूँ, आप कोई भी डायग्राम से लेके चलिए आपका सही होगा, मैं इससे समझाता हूँ ये डायग्राम से, ठीक है, ये वाला डायग्राम से। अब देखिए, अब थोड़ा सा ये चीज समझिए क्या होता है। देखो याद रखना है कि जब भी कभी हम लोग बोलेंगे कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर लीफ पे पड़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस पे पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे मेसोफिल सेल्स पे पड़ेगा, ठीक है, लीफ पे पड़ रहा है मतलब मेसोफिल सेल्स को, और मेसोफिल सेल्स को हम लोग फोटोसिंथेटिक सेल्स बोलते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट किस पे पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे मेसोफिल सेल्स पे पड़ेगा, ठीक है। तो मेसोफिल सेल्स में जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट पड़ेगा तो ये लाइट हम लोग बोलेंगे किस पे अल्टीमेटली जाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट पे जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट रह गया, वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगा, तो वो क्लोरोप्लास्ट को डैमेज कर देगा, ये हम लोग जानते हैं, जिसको फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज बोलते हैं, कहीं पर मैं लिखा हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ठीक है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो होगा क्या, तब कि जो क्लोरोप्लास्ट होगा उस टाइम पे, क्लोरोप्लास्ट जब बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगा उस टाइम पे, क्लोरोप्लास्ट अपने आप को हम लोग बोलेंगे अरेंज कर लेगा या अलाइन कर लेगा, हम लोग बोलेंगे किस तरफ, अलोंग दी एंटीक्लिनल वॉल। देखो ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये अपने आप को किस तरफ अलाइन कर लिया, हम लोग बोलेंगे जिधर एंटीक्लिनल वॉल है, एंटीक्लिनल वॉल है, उस तरफ अपने आप को अलाइन कर लिया, कौन, क्लोरोप्लास्ट। इस चीज को याद रखना है, ये कब हुआ, हम लोग बोलेंगे ये तब हुआ जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़े। ये ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि हम लोग बोलेंगे ताकि क्लोरोप्लास्ट पे ऑप्टिमम लाइट पड़े और हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर पाए, ठीक है। अगर क्लोरोप्लास्ट अपने आप को वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट या हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे अगर एंटीक्लिनल वॉल के अलोंग नहीं अरेंज कर पाएगा या नहीं अलाइन कर पाया, तो याद रखिएगा कि ये हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट या वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्लोरोप्लास्ट को डैमेज कर देगा, और उस डैमेज को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, ठीक है, और उस टाइम पे कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, इससे हम लोग ये समझते हैं कि जब भी बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहे या वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहे, तो उस टाइम पे क्लोरोप्लास्ट अपने आप को हम लोग बोलेंगे एंटीक्लिनल वॉल जो है मेसोफिल सेल्स का या फोटोसिंथेटिक सेल्स का, उसके अलोंग क्या कर लेता है, अरेंज कर लेता है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट रहेगा तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को क्या बोलते हैं, एंटीक्लिनल वॉल के पैरेलल, अपने आप को एंटीक्लिनल वॉल के पैरेलल क्या कर लेता है, अरेंज कर लेता है। कब, जब वेरी हाई अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहे या हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहे, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ या इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगा तो उस टाइम पे क्लोरोप्लास्ट अपने आप को अलाइन कर लेगा अलोंग द एंटीक्लिनल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स, ठीक है, अलोंग द एंटीक्लिनल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स, या हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल टू मैं यहाँ पे लिखा हूँ पैरेलल टू द एंटीक्लिनल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स। देखो ये क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट पैरेलल हो गया किसके, एंटीक्लिनल वॉल के, ठीक है। ताकि ऐसा क्यों हुआ, ताकि हम लोग बोलेंगे टू गेट द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट, ताकि इसमें क्या पड़ पाए, क्लोरोप्लास्ट पे क्या पड़ पाए, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट पड़ पाए और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर पाए, ठीक है। तो ऐसा जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं पारास्ट्रोपिक। क्या बोलते हैं उस अरेंजमेंट को, हम लोग क्या बोलेंगे, पारास्ट्रोपिक। तो पारास्ट्रोपिक फर्स्ट थिंग याद रखना है कि पारास्ट्रोपिक कुछ नहीं है, पारास्ट्रोपिक क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट है, ठीक है। कब, हम लोग बोलेंगे जब मेसोफिल सेल्स में बहुत हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ता है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पारास्ट्रोफी। तो ये जो अरेंजमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये पारास्ट्रोफी, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक चीज ये नोटिस कीजिए कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसका, देखिए इसका जो मैं डायग्राम बनाया हूँ ऐसे करके वर्टिकल बनाया हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट दो तरीके से हो सकता है, तीन तरीके से हो सकता है,
पहला देखो, पहला क्या चीज आपको तीन तरीके से हो सकता है, किसके अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है। तो मान लो ये मेसोफिल सेल्स है, देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये मान लो मेसोफिल सेल्स है ये, ठीक है, मेसोफिल सेल्स है। तो मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट रहेगा। तो ये क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट हम लोग बोलेंगे तीन तरीके से हो सकता है। एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है, देखो वर्टिकल करके ऐसा करके, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकल अरेंजमेंट या वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, और क्लोरोप्लास्ट, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट है ये पहला। दूसरा हम लोग बोलेंगे ये क्लोरोप्लास्ट अपने आप को हॉरिजॉन्टल भी अरेंज कर सकता है, ऐसे करके, देखो ऐसे करके, ऐसे करके। तो ऐसा जो ये है अलाइनमेंट है क्लोरोप्लास्ट, इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट अपने आपको रेंडमली भी क्या कर सकता है, ऐसे ऐसे करके भी क्या कर सकता है, अलाइन कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए कि क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स के अंदर अपने आपको वर्टिकल भी अलाइन कर सकता है फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स के अंदर अपने आपको कैसा कर सकता है, हॉरिजॉन्टल भी अलाइन कर सकता है। क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स के अंदर अपने आपको रेंडमली भी क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है, ठीक है, अलाइन कर सकता है। तो याद रखना है कि जब भी कभी वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़े या हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़े, उस टाइम पे क्लोरोप्लास्ट अपने आप को कैसे अरेंज करेगा, वर्टिकल अरेंज करेगा। देखो ये वाला, ये क्या चीज है, वर्टिकल है, ये ऐसे करके देखो, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है वर्टिकल अलाइनमेंट और अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और ये वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो किस तरह होगा, हम लोग बोलेंगे अलोंग दी एंटीक्लिनल वॉल या रेडियल वॉल ऑफ क्या चीज, मेसोफिल सेल्स, या लेटरल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स, या हम लोग बोलेंगे ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट है क्लोरोप्लास्ट का वो पैरेलल टू क्या चीज, एंटीक्लिनल वॉल या रेडियल वॉल या लेटरल वॉल, ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं पारास्ट्रोपिक। क्या बोलेंगे इस टाइप के अरेंजमेंट को, पारास्ट्रोपिक। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस था। अब देखिए सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या चीज है,